सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए. हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है एंड देन वी हैव टू शो दैट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3. I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. सो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है. मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहिए इसको. एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इसके, देन हमें उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा. तो फटाफट देखिए कैसे करते हैं हम इस चीज़ को सॉल्व, और फिर हमें यह करने के लिए मल्टीप्लीकेशन भी कुछ करनी पड़ेंगी. सो फटाफट देखिए कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे इसके. तो कोफैक्टर्स के लिए मैं करता हूँ यहाँ पे a11 a12 a13 देन a21 a22 एंड a23 देन a31 a32 एंड a33. मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से इतनी है कि आप भी साथ साथ इसको सॉल्व करते रहिए ताकि हम लोग बाद में आंसर्स को टैली कर सकें. ठीक है. सो a11 के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है शॉर्टकट क्या होता है इसको साइन निकालने का. साइन का शॉर्टकट होता है हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन प्लस माइनस प्लस. सो इसको हम फटाफट लिख लेते हैं पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन प्लस माइनस प्लस. ओके सॉल्व करते हैं फटाफट हम लोग इसको. a1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a1 के लिए हमें करना पड़ेगा फर्स्ट रो को हाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम को हाइड करना पड़ेगा. जो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं इनका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा 1 एंड देन माइनस 4 इज 3. ठीक है. सो ऐसे ही करके आप सारे एलिमेंट्स को निकालिए. मैं इसके आंसर डायरेक्टली लिखता हूँ ताकि आप लोग बाद में टैली कर सकें इसको. ये कोफैक्टर्स निकालना हमने सीख लिया है इसलिए फटाफट हम इसके आंसर को लिखते हैं और बाद में आप इसको टैली कीजिएगा. कोफैक्टर्स हमने यहाँ पे इवेलुएट कर लिए हैं. सो हमारे पास जो कोफैक्टर्स आए हैं वो आए हैं -3 -6 -6 देन 6 3 एंड -6 एंड देन 6 -6 एंड 3. तो हमने कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स लिख लिए यहाँ पे. हम सबको मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है. एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है कोफैक्टर्स वाली पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. सो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास आएगा वो आएगा, इसका ट्रांसपोज करना है हमें. सो ये हो जाएगा -3 -6 -6 एंड देन 6 3 -6 एंड देन 6 -6 एंड 3. सो हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया इस मैट्रिक्स का. नाउ हमें प्रूफ करना है कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए जो हो वो बराबर आए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में I3 के. सो पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं रो वन के अलॉन्ग. सो रो वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करने में क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा -1 देन मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड देन माइनस में 4 एंड देन हो जाएगा हमारे पास माइनस का -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 इज 2 माइनस प्लस का 4 बन जाएगा ये एंड देन हमारे पास आएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई -4 एंड -2. सो अल्टीमेटली सॉल्व करने पे हमें 27 मिलेगा यहाँ पे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया हमारे पास, 27 हो गया. नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकालते हैं. ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम इवैल्यूएट करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी. सो मल्टीप्लाई करने पे हमने क्या पाया, -1 -2 -2 एंड देन 2 1 एंड -2 एंड देन 2 -2 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास होगा एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है -3 6 6 देन -6 3 एंड -6 एंड देन -6 -6 एंड 3. सो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो मिला हमें वो मिला 27 0 0 0 27 0 एंड 0 0 27. सो हम इसको बोल सकते हैं 27 अगर हमारा बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 100 010 एंड 001. सब कुछ हम सॉल्व कर रहे हैं तब जाके हमने आंसर निकाला, याद रखिएगा. सो क्लियरली हम यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं इस चीज़ को क्लियरली. ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए जो आ रहा है वो आ रहा है 27 टाइम्स ऑफ I3. तो हम इसको बोल सकते हैं ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में I3, बिकॉज 27 वैल्यू किसकी थी हमारे पास, डिटर्मिनेंट की थी. तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो रहा है यहाँ पे. सो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है. ये क्वेश्चन हमने पॉज करके बनाया बिकॉज ताकि आप लोग भी साथ साथ सॉल्व कर सकें इसको और हम लोग डायरेक्टली इसके आंसर को लिख सकें यहाँ पे. ठीक है. सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है. इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक्स के अंदर.